जिला प्रशासन के माध्यम से कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की ओर से भारत के राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से हम जो ये कोरोना महामारी का जो संकट देश में आया है और जिसके चलते जो करोड़ों लोग बेरोज़गार हो गए हैं, तो CPIM जो है पूरे देश में मांग कर रही है कि जितने भी इस देश के अंदर जो बेरोज़गार हुए हैं उनके लिए सरकार बेरोज़गारी भत्ते का इंतजाम करे तुरंत, और इसके साथ में ये जो जो टैक्स सरकार को नहीं देते हैं, जो टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, उन सभी परिवारों को उनके खाते में 7500 रुपया जो है 6 महीने तक जो है वो दिया जाए। इसके साथ में जो किसानों ने कर्जा लिया है वो किसानों के कर्जे माफ़ किए जाएं, और इसके साथ जो भारत सरकार और के ये जो राज्य सरकारें हैं जो श्रम कानून बहुत लोगों ने कुर्बानियाँ दे के हासिल किए हैं जो बने हैं उनको सरकार बदल रही है, और जिससे जो है वो कंपनियां जो है वो मजदूरों की और लूट करेंगी, तो वो सरकार इस तरह के कदम ना उठाए। इसके अलावा जो सरकारी उपक्रम हैं उनका जो सरकार लगातार धड़ाधड़ निजीकरण करने जा रही है, उसके ऊपर जो है वो रोक लगाए, क्योंकि जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस जो संकट आया है इस संकट के चलते बहुत संकट जो गरीब आदमी है उसके ऊपर आया है। ये ठीक है कि महामारी के से तो इसमें गरीबी अमीरी नहीं है, हर वर्ग जो प्रभावित है उससे, लेकिन जो मुश्किल जिसका जीना हुआ है वो ये जो गरीब आदमी है उसका हुआ है। और हमारी भारत की सरकार हो चाहे राज्यों की सरकारें हों, समय रहते उन्होंने इंतजाम नहीं किया और इसके जो लॉकडाउन किया वो बिना किसी तैयारी के किया, जिसके चलते लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। और आज जो है सरकार जो लोगों के लिए सरकार को करना चाहिए पर्याप्त वो सरकार नहीं कर रही है, जो चिंता का विषय है, और सरकार को आम आदमी के बारे में सोचना चाहिए। जे ये CPIM जो है वो सरकार से मांग करती है कि जो हमने मांग की है कि आप ये काली भाषण नहीं चलेंगे, है ना, मन की बात नहीं चलेगी कि आप आएंगे और अपनी बात करके चले जाएंगे, आपको जनता की बात सुननी पड़ेगी। संकट के समय में सरकार नहीं सुनेगी तो कौन सुनेगा।